एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए भिंडी जिसको हमने बीच में से काट रखा है, कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको भी दिखाई भी दे रहा होगा। ये भिंडी कितने के जी है हमें बता दीजिए? 500 ग्राम। ये 500 ग्राम हमारी भिंडी है जिसको हमने बीच में से काट रखा है। अब हम बढ़ते हैं इसकी इंग्रेडिएंट ट्रे की तरफ कि हमें कौन कौन सी सामग्री इसके लिए चाहिए होगी। ताकि आपको पता है कि हमें मसाला भिंडी बनानी है, तो मसाला भिंडी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक प्याज जो कि बड़ा हो साइज में, और उसको हम लोगों ने फिर बारीक बारीक काट लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से मसाले चाहिए। हमें 7 से 5 कुछ हरी मिर्ची चाहिए। इसके बाद हमें अजवाइन और हींग चाहिए, स्वाद अनुसार नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, धनिया चाहिए और लाल मिर्ची चाहिए। इसके लिए हम आपको चम्मच का साइज बता देंगे, उसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि जब आप मसाले डालेंगे तो आपको कितना डालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके बाद हम इसको स्टोव पे रखे बर्नर को ऑन कर देंगे। हमने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करना है या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना है। तो एक बड़ा चम्मच हमें चाहिए मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम सरसों का तेल भी कहते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तेल की क्वांटिटी हमें कम लग रही है। इसके बाद हमें अजवाइन और हींग लेनी है। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारा तेल गर्म होने के बाद हम उसके अंदर ये प्याज डाल देंगे जो कि हमने आपको पहले भी दिखाया था। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी अजवाइन और हींग भुन चुका है, तो अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें ये प्याज ऐड करनी है। अब हम इस प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज इस वक्त ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इस ब्राउन हुई प्याज में अपने बाकी मसाले डालेंगे जिससे हमारी मसाला भिंडी जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। हाफ हल्दी, ये हाफ स्पून हल्दी है हमारा। ये भी हाफ स्पून धनिया पाउडर। इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हम थोड़ा तीखा खाते हैं इसलिए हमें तीखा ज्यादा लेते हैं। यह है हमारा नमक स्वाद अनुसार। अब हम डाल रहे हैं इसमें भिंडी। अब हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, इसमें पानी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। हम
हम इसको एक बर्तन से या एक लिड से कवर कर देंगे। अब हम इसमें 6 से 7 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको मिला देंगे। हर 5 मिनट बाद हमें भिंडी को बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं पड़े। भिंडी का कलर अच्छा होता जा रहा है, बनता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर 5-5 मिनट में हमें इसमें भिंडी को चलाते रहना है। इतना ही नहीं, आप इसमें देख सकते हैं कि भिंडियाँ हमारी कितनी मसालेदार बनी और कितनी जायकेदार है। इतना ही नहीं, ये पक्की बिल्कुल तैयार हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 1/2 घंटे में। अब हमारी भिंडियाँ पक्की एकदम तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया, खाने में यम्मी टेस्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी मसालेदार कुरकुरी भिंडी एकदम तैयार हो चुकी है और कितनी मसालेदार है, एकदम डिलीशियस है ये। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और